मेरा नाम ओपी तिवारी है, मैं यूआरडी अकेडमी बांदा से बात कर रहा हूँ। कल हम लोगों ने सेंटर विस्टा कार्यक्रम पर चर्चा की थी और आज हम एक नए मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और इस मुद्दे का नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। बुंदेलखंड के निवासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है ये, और निश्चित ही इस परियोजना के बारे में हम लोग उत्सुकता होती है जाने की कैसे परियोजना कार्य करेगी, कैसे इसके लाभ हैं, क्या इसकी हानि है, ये सब हमें जानने का हमारा विषय है। लेकिन हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करना हमको चाहिए कि केन बेतवा लिंक परियोजना आखिर किसका हिस्सा है। तो मैं आपको बता दूं, सन 1980 में राष्ट्रीय नदी जल परियोजना सिंचाई मंत्रालय के अधीन प्रारंभ की गई थी। सन 1980 बहुत पुरानी बातें हैं, हमें कभी कभी लगा करता है कि शायद वही परियोजना अभी कुछ ही समय की है, लेकिन कहा जाए तो काफ़ी पुरानी परियोजना है जिस पर काफ़ी समय से सरकार कार्य कर रही है जाकर कि हम किस प्रकार से अपने यहाँ जो नदियाँ हैं, हमारे यहाँ दो नदियाँ अगर देखा है तो हमारे यहाँ नदियों के दो घटक हैं। पहला है हिमालय नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ ग्लेशियर्स निकलती हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ पठारों से निकलती हैं जो मानसूनी वर्षा पर ज़्यादा निर्भर करती हैं। निश्चित है यहाँ पर सूखे की समस्या ज़्यादा होती है, हिमालय नदियों में वर्षा ऋतु में बाढ़ की समस्या ज़्यादा आती है जाकर। तो यहाँ पर सरकार का एक काम है कि हम दोनों नदियों को, अगर हम हिमालय नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ दें नदी जल परियोजना के अंतर्गत, तो शायद भर हम भारत में जो सूखा और बाढ़ की समस्याएँ आती हैं उनसे हम निजात पा सकते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अब सब आपको पहले बता दूंगा कि नदी जल परियोजना है क्या, पहले उस पर हम लोग पहले डिस्कस कर लें, फिर हम केन बेतवा लिंक पर जाते हैं। नदी जल परियोजना, मैंने अभी अभी रिपीट किया कि नदी जल परियोजना 1980 में सिंचाई मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई एक परियोजना है जिसमें हिमालय के नदी और प्रायद्वीपीय नदियों की 30 नदियों को मिला करके इस परियोजना को प्रारंभ करने की योजना थी, जिसमें हिमालय की 14 नदियाँ और प्रायद्वीप की 16 नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम था। देखा जाए तो प्रबंधन कौन कार्य करता है, प्रबंधन की अगर हम बात करें, तीस राष्ट्रीय नदी जल परियोजना का प्रबंधन कौन देखता है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी इसका प्रबंधन का कार्य करती है और जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ये राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कार्य करती है। इसको याद कर लीजिए कि वर्तमान में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी है जो इसके प्रबंधन का कार्य करती है और किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, तो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन ये संस्था, ये एजेंसी कार्य करती है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो नदी जोड़ो परियोजना है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो इसमें एक सबसे बड़ा प्रमुख उद्देश्य है कि जहाँ पर ऐसे जल बेसिन जहाँ पर जल अधिग्रहण क्षेत्र का मान ज़्यादा है और ऐसे जल बेसिन जहाँ पर जल अधिग्रहण क्षेत्र का मान कम है, इन दो विपरीत जल बेसिन को जहाँ पर पानी ज़्यादा है जहाँ पर पानी कम है उनको आपस में जोड़कर भारत में बाढ़ और सूखे की जो समस्याएं हमारे देश को लगातार उसका सामना करना पड़ता है उससे हमें निजात मिले। इसी के तहत हम केन बेतवा लिंक परियोजना को पढ़ते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना इसी का ही एक हिस्सा ही है जाकर, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। तो केन बेतवा लिंक परियोजना पर हम चलते हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो केन बेतवा लिंक के बारे में हमें पता होना चाहिए। जो केन और बेतवा हैं ये यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी हैं। ये मालवा के पठार से निकलती हैं, मध्य प्रदेश जिले से निकलती हैं और मध्य प्रदेश से होते हुए ये दोनों नदियाँ यूपी में आकर के यमुना से मिलती हैं। यूपी में आज हमीरपुर जिला जो है वहाँ पर जाकर के बेतवा मिलती है और जो बांदा जिला है उसमें जाकर के वहाँ पर यमुना में केन मिलती है जाकर। यानी कि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ सुनिएगा मेरी बात को। जो केन नदी है जो मालवा के पठार से निकलती है, यमुना की सहायक नदी है, बांदा में जाकर यमुना से मिलती है और जो बेतवा है वो हमीरपुर जिले में जाकर यमुना से मिलती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका अर्थ ही निकल करके आया कि केन बेतवा दो जिलों में प्रभावित हो रही, देखा जाए तो दो जिले मैंने आपको बताए जाकर के, हमीरपुर और दूसरा आपका बांदा। शायद भर जो, क्योंकि मैं तो बांदा का निवासी हूँ तो बांदा के लोग, बांदा के विद्यार्थी भलीभांति परिचित होंगे, बुंदेलखंड के लोग भी परिचित होंगे इन दोनों नदियों से और जो सिविल की तैयारी करते हैं वो भी इस, निश्चित है बुंदेलखंड रीजन को जानते होंगे, समझते होंगे, वो भी इस बात से परिचित होंगे कि बुंदेलखंड एक सूखा क्षेत्र घोषित है जहाँ पर बहुत सारी समस्याएँ हैं। अगर इस परियोजना को सफल बना दिया जाए तो काफ़ी समस्याओं का निदान किया जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब हम केन बेतवा लिंक परियोजना पर बात करने जा रहे हैं। तो केन बेतवा लिंक परियोजना पर उसके लाभ क्या हैं, उसके हानि क्या हैं, इस पर हम सारा हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अब केन बेतवा लिंक परियोजना की तरफ। केन बेतवा लिंक परियोजना में सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि बच्चों के दिमाग में एक डाउट होता है कि आखिर केन बेतवा को जब लिंक किया जा रहा है तो किस नदी का पानी कहाँ प्रभावित होगा। भाई स्लोप तो एक ही दिशा में काम करेगा जा करके। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, केन बेतवा लिंक, यहाँ पर केन नदी के अधिक पानी को, जो केन नदी का पानी अधिक है उसको हम बेतवा में
ले जाएंगे, बेतवा में जो पानी कम है उसकी तरफ हम ले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यानी कि केंग के पानी को हम बेतवा की तरफ ले जाएंगे, तो जो नहर का जो स्लोप होगा, जो ढाल होगा, वो केंग से बेतवा की तरफ होगा। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर अगर हम बात कहें कि क्यों मुद्दा मैं उठा रहा हूँ, तो 22 मार्च को हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय विश्व जल दिवस मनाया जा करके, तो उसी दिन उसी समय पर हमारे यहाँ दो राज्य, अगर कहा जाए तो आप समझ में आ रहा होगा कि कौन से दो राज्य, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने मिलकर के एक समझौता, एक त्रिपक्षीय समझौता किया और इस लिंक परियोजना पर, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाकर। पहले से भी इस पर चर्चा होती रही है, लेकिन बहुत सारे राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दे की वजह से इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार तीनों ही लोगों ने बैठ करके अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए इस परियोजना को हस्ताक्षर किए, त्रिपक्षीय समझौता हुआ और ये परियोजना, उम्मीद करते हैं कि इस परियोजना को निश्चित है कि अब एक आगे नई दिशा मिलेगी। अब हम इसके केन बेतवा परियोजना का लाभ की बात कर लें कि आखिर लाभ क्या है जाकर के, तो उस विषय पर हम चर्चा कर लें। तो अगर हम केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को सफल बनाते हैं तो इसमें आपको याद रखना होगा कि यहाँ पर इसको बनाने में 230 किलोमीटर एक लंबी नहर हम लोग बनाएंगे जाकर के, और एक हम लोग बांध का भी निर्माण करने जा रहे हैं, दौधन बांध नाम है उसका जाकर के। तो ये बांध और नहर, इन दोनों को मिला करके हम इस परियोजना में केन के पानी को हम बेतवा की तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि लाभ क्या है, तो लाभ सबसे पहले ये है कि जो बुंदेलखंड का असिंचित इलाका है, इस परियोजना से काफ़ी बड़ा एरिया सिंचित हो जाएगा। निश्चित है जब सिंचित हो जाएगा तो हमारे यहाँ जो खाद्य जो असुरक्षा है बुंदेलखंड में, खाद्यान्न की जो कमी है, उत्पादकता कम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जोत एरिया, मतलब खेती करने का एरिया ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर उत्पादकता कम है क्योंकि सिंचाई नहीं है। हम लोग अधिकतर सिर्फ एक ही फसल मुख्यतः उगा पाते हैं, रबी की फसल उगा पाते हैं जा करके। रबी की फसल उगाते हैं जिससे कहीं ना कहीं यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ती है, लोग शेष समय पर कुछ काम नहीं होता तो पलायन करते हैं जा करके। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। न्यूज़पेपरों में आपने हमेशा सुना होगा कि बुंदेलखंड के किसान लगातार कर्ज के दबाव की वजह से, उत्पादकता ना होने की वजह से कहीं ना कहीं आत्महत्याएँ करते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम केन बेतवा लिंक परियोजना को प्रोजेक्ट पूरा करते हैं तो निश्चित है कि यहाँ पर सिंचाई क्षेत्र बढ़ने से यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन भी बढ़ेगा, लोगों को कहीं ना कहीं आजीविका के साधन भी मिलेंगे जा करके, रोजगार की तलाश में उन्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा। ये कई सारे लाभ मैंने आपको एक दो बिंदु पर बताए। अब यहाँ पर मैं आपको जो दूसरा अगला महत्वपूर्ण लाभ मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर इस परियोजना पर काम हुआ, इस परियोजना को हमने अगर सफल बनाया जल्दी से जल्दी, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल करके आएगी कि यहाँ पर उद्योग धंधे भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर बांध का भी निर्माण किया जा रहा है। उस बांध के निर्माण से हम यहाँ पर करीब करीब 70 मेगावाट बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। ये बिजली उत्पादन यहाँ के उद्योगों को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जाकर, जिससे यहाँ पर जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जो सिर्फ कहीं ना कहीं किसानी पर निर्भर है, खनन पर निर्भर है, बहुत सारा उत्खनन होता है, उत्खनन होने से पर्यावरण का नुकसान भी होता है, तो निश्चित है कि जब उद्योग लगेंगे तो बहुत सारे लोग इन उद्योग धंधों पर रोजगार का सृजन भी करेंगे, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देंगे जा करके। तो ये एक इसका अगला लाभ हो गया। कई सारी बातें की जाए तो मैंने अभी आपको बताया कि एक अगला लाभ ये है कि इसमें 230 किलोमीटर एक लंबी नहर का निर्माण करना है। आपने पढ़ा भी होगा, जब तैयारी करते हैं तो निश्चित है बहुत सारी जानकारियाँ भी आपको रहती हैं। हमारे यहाँ एक सामाजिक वानिकी कार्यक्रम चलता है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत नहर की दोनों पटरियों के बीच में इधर उधर हम पौधे लगा सकते हैं, वृक्ष लगा सकते हैं। जब वृक्ष लगाएंगे तो निश्चित है यहाँ का जो पर्यावरण है वो शुद्ध हो जाएगा, वृक्ष का जो परसेंटेज कम है बुंदेलखंड के क्षेत्र में वो एरिया बढ़ेगा जा करके। तो इसका एक अगला लाभ होगा। लाभों की अगर और बात की जाए तो यहाँ पर मैंने हमेशा बोला है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब आप नहर के रूप में उसको विकसित करते हैं, आसपास आप पेड़ पौधे लगाते हैं, आप वहाँ पर और भी आकर्षण नहर को बना सकते हैं जाकर कि लोग आएँ वहाँ पर, कुछ स्टीमर के तहत एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल करें जाकर, तो उसको पर्यटन के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। यानी कि कई सारी चीज़ों के माध्यम से, यानी कि अगर ये लिंक परियोजना का प्रोजेक्ट कार्य जल्दी जल्दी पूरा होता है तो मेरा मानना है कि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, जो असिंचित क्षेत्र है, उसको सिंचित में बदला जा सकता है। यहाँ पर जो खाद्यान्न की जो कमी है, यहाँ पर जो मुख्यतः रबी की फसल उगाई जाती है, उसमें हम रबी, खरीफ और जायद तीनों की फसलें उगा सकते हैं जाकर। तीसरा बिंदु निकल करके आता है कि जब ये परियोजना कार्य करेगी, उस परियोजना कार्यकाल के दौरान जितने समय तक परियोजना कार्य करेगी उस समय यहाँ के लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है।
उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो हम लोगों ने यहाँ पर बांध का निर्माण करने जा रहे हैं, जो हमने यहाँ पर बांध बनाया है, उस बांधों से हम बिजली उत्पादित कर सकते हैं, बिजली उत्पादित करके यहाँ पर उद्योग धंधों को हम बिजली दे सकते हैं। इस तरह से कई सारे मैं लाभ मैं आपको बताता चला जा रहा हूँ। जैसे मैंने एक पर्यटन का लाभ बताया कि पर्यटन को लाभ मिल सकता है। जब बहुत बड़े एरिया में बांध बनेगा तो वहाँ पर हम जैव विविधता के संरक्षण कर सकते हैं, हम बायोडाइवर्सिटी के रूप में भी हम विकास कार्य कर सकते हैं जाकर के। इस तरह से इसके लाभ भी हैं जाकर के। फिर अगर हम नुकसान की बात करें, अगर हम नुकसान को समझें जाकर के, तो कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान इस बात का है कि मैंने अभी आपको बताया कि जो दौधन बांध है वो पन्ना टाइगर रिजर्वायर में बनाया जाएगा जाकर। तो जो पन्ना टाइगर रिजर्वायर का लगभग 4000 जो भूमि है, जो 4000 हेक्टेयर की महत्वपूर्ण भूमि है, वो जलमग्न हो जाएगी। पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 2011 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। 2020 में यूनेस्को ने इसको अपने वर्ल्ड जो नेशनल नेटवर्क कार्यक्रम चलाता है, जो मैप के अंतर्गत कार्यक्रम चलाता है, उसमें इसको शामिल कर दिया जा करके। प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसको चलाया जाता है, पन्ना टाइगर रिजर्वायर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो 4000 का लगभग हेक्टेयर भूमि का इलाका है, ये एक जलमग्न हो जाएगा। तो निश्चित है कि जो हमने प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इतना बड़ा अभियान चलाया है, उसके लिए कुछ कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो पहले उसे हमें दूर करना होगा कि कैसे उन बाघों का संरक्षण किया जाए जा करके। लगभग इस पूरे इलाके पर जब बांध का निर्माण होगा, जब पूरा क्षेत्र जलमग्न होगा, तो लगभग माना जा रहा है कि 20,000 लोगों को अपना मूल निवास स्थान छोड़ना पड़ेगा, उनको कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि जो लोग बहुत लंबे समय से वहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से उस क्षेत्र पर रह रहे हैं, उनको पलायन कराना पड़ेगा जाकर, वो भी 20,000 लोगों को। ये भी एक सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। नहीं, कहीं ना कहीं सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा होगा कि कैसे उनको प्रोजेक्ट टाइगर को बचाना है, कैसे पलायन को देखना है जाकर। ये कहीं ना कहीं सरकार ने इस चीज़ को सोचा होगा। लेकिन नुकसान के तौर पर याद रखिएगा कि दो नुकसान हैं इसके, मुख्यतः दो नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये है कि जो 4000 हेक्टेयर का इलाका है, जो पन्ना रिजर्वायर के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र घोषित है, उसमें कहीं ना कहीं वो पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। तो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अभियान चला रहे हैं हम लोग टाइगर को बचाने के लिए, तो उसमें एक कहीं ना कहीं बीच में बाधा उत्पन्न होगी। दूसरा, जो 20,000 लोग वहाँ पर कहीं ना कहीं उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, पूरा पानी पानी हो जाएगा, इस वजह से उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, तो उनके एक पुनर्वास की समस्या है, सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा बिंदु जो महत्वपूर्ण बिंदु है हमेशा, क्योंकि हम एक कृत्रिम तरीके से नहर का निर्माण कर रहे हैं, कृत्रिम तरीके का जब कृत्रिम तरीके से कोई चीज़ बनाई जाती है, तो वहाँ पर उसका जो स्लोप है, स्लोप तो हमने बना दिया एक बार, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो मालवा के पठार से निकलने वाली नदियाँ होती हैं, ये अपने साथ सिल्ट, बालू बहुत सारी लेकर के आते हैं। निश्चित है कि इस नहर में भी बालू लगातार आती जाएगी, बालू आएगी तो निश्चित है, क्योंकि कृत्रिम प्रवाह है जाकर के, हमने कृत्रिम तरीके से बनाया है, तो लगातार हमें यहाँ पर इसमें जो बालू आएगी, जो सिल्ट आएगी, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर हम सिल्ट नहीं निकालते हैं तो निश्चित है कि इस परियोजना में खतरे की घंटी उत्पन्न हो सकती है जाकर के। तो ये सरकार का एक अतिरिक्त बोझ रहेगा जाकर के, ये भी एक इसका एक नुकसान की वजह है जाकर के। तो इस प्रकार से मैंने आपको लाभ भी बताए और फिर मैंने आपको हानि बताई। तो यहाँ पर मोटा मोटा मैंने आपको सारा कुछ जल्दी जल्दी समझाया जा करके। तो निश्चित है हम लोग बातें समझ रहे होंगे। कल हमने सेंट्रल विस्टा पर काम किया, आज हम लोगों ने केन बेतवा लिंक परियोजना पर कार्य किया जा करके, और कल किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। ओके, बाय।